नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश चतुर्वेदी। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है, तो ऐसे में एक समस्या आन खड़ी हुई कि आखिरकार पेट्रोल और डीजल का विकल्प क्या, और यदि विकल्प है तो उपलब्ध है क्या। ऐसे ही तमाम विकल्पों की ओर सब लोग चल पड़े हैं, चाहे हम CNG की बात करें या बैटरी चलित वाहनों की बात करें। अब सड़क पर भी बैटरी चलित वाहन दिखने लगे हैं, और वहीं दूसरे ऐसे विकल्प जिनसे प्रदूषण भी ना हो और जो पेट्रोल और डीजल से कुछ राहत भी दिला सकें, तो एक विकल्प जरूर नज़र आता है CNG। और इस समय हम राजधानी भोपाल के साथ मध्य प्रदेश में तमाम बात जिलों की बात करें तो वहाँ पर CNG का अब विकल्प मौजूद हो चुका है। और इस समय हम देख पा रहे हैं कि एक हम CNG पेट्रोल जो पंप है, माफ कीजिएगा, CNG पंप पर, और वहाँ पर देख पा रहे हैं दूर तक गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, ऑटो भी CNG हैं। आपकी फीलिंग हो गई, क्या हाल है आपका? सर बढ़िया है। बढ़िया है जी। तो ये जो ग्रीन है ये क्या सिंबल है? अब ये तो सर ये नए मॉडल में CNG में ग्रीन और यही आ रहा है। हाँ, अब ग्रीन का मतलब मेरे हिसाब से ये है नो पॉल्यूशन व्हीकल है ये शायद। नो पॉल्यूशन व्हीकल पेट्रोल की, यानी इससे पॉल्यूशन नहीं होगा। पॉल्यूशन नहीं होगा, कुछ आपको रिलीफ मिलता है इससे? हाँ, फायदा तो है सर। अपने कैसा फायदा है? एवरेज भी अच्छा है इसका, CNG से एवरेज भी अच्छा है, प्लस रेट भी कम है। रेट भी कम है और एवरेज भी अच्छा है। एवरेज अच्छा है। अब पेट्रोल कितने रुपए किलोमीटर चलता है ऑटो? पेट्रोल वही 25 किलोमीटर के आसपास पर लीटर, 25-30 से ज़्यादा का एवरेज नहीं देता पेट्रोल। अच्छा, तो एक किलोमीटर लगभग कितना एवरेज आ जाता है क्या? एक किलोमीटर सर अपना, अब वो मान लीजिए 110 का पेट्रोल है, 25 × 75, 3 रुपये से ऊपर आएगा, 3.25 रुपये के आसपास, 3.5-3.5। ज़्यादा हो जाएगा ना, 110 है ना, तो 25 × 100 यानी 4.5 के आसपास आता, 30 के आसपास आता है। और ये CNG की बात करें तो CNG 40-45 देती है एवरेज। एवरेज देती है। ये लगभग 2 रुपये पड़ती है अपने को, 2 रुपये पर किलोमीटर, यानी राहत है। राहत है, बढ़िया है। कब से चला रहे हैं आप? हो गए 2.5 साल हो गए मेरे को इस गाड़ी को। अब मन करता है आपका कि पेट्रोल वाला ऑटो ले आए? क्या करेंगे पेट्रोल लेके, नुकसान का सौदा क्यों करेंगे? नुकसान का सौदा है और क्या सर। और फीलिंग कहाँ हो जाती है आसानी से कि भटकना पड़ता है? भोपाल में तो आसानी से हो रही है। आसानी से हो रही है, बिल्कुल आसानी से। देखिए, आप जो हम विकल्प की बात करें तो CNG एक विकल्प बना है पेट्रोल का, और जो ऑटो चालक बता रहे हैं कि 2.5 साल से वो इसी तरह से ऑटो चला रहे हैं, जो आप देख पा रहे हैं ग्रीन यानी पॉल्यूशन रहित एक रास्ता निकला है, रास्ता बना है। और जो CNG वाहनों का उपयोग कर रहे हैं, हम उन्हीं से बातचीत कर रहे हैं, क्या ये कोई राहत है? राहत नहीं है तो क्या खामियां हैं, क्या परेशानी, और ये राहत है तो किस तरह की राहत है? फिलिंग कराने आए आप? CNG डलवा रहे हैं। कितना समय हो गया आपको ऑटो खरीदे हुए? 2 महीने। 2 महीने? इससे पहले ऑटो चलाते थे आप? जी, पेट्रोल चलता था। पेट्रोल तो ठीक पड़ता था, सस्ता की नहीं? वो ये थोड़ा अभी सही पड़ रहा है, बाकी वो बहुत महंगा पड़ता था। महंगा पड़ता था। तो आप सवारी से कम पैसे लेते हैं कि उतने ही लेते हैं? सवारी कम देती है आजकल तो। कम देती है, मतलब सवारी समझती है कि CNG है? जी, पहले से थोड़ी सवारी, ओला जब से चला, जब से सवारी जितना ओला बनाती उतना ही बोलती, जैसे अपन एक्स्ट्रा बोलते। दोनों में अंतर क्या है, CNG पेट्रोल ऑटो, दोनों ऑटो की बात करें तो? CNG में ये फायदा, एवरेज थोड़ा ज़्यादा है। एवरेज ज़्यादा है। कितने रुपए किलोमीटर चलते हैं CNG ऑटो? अभी एक लीटर में 40 किलोमीटर चल जाते हैं। और कितने रुपए लीटर है ये? अभी चल रहा 85 यहाँ पे, यानी करीब करीब 2 रुपए लीटर आपका पेट्रोल चल जा, CNG ऑटो चलता है जी सर। 2 रुपए प्रति किलोमीटर जी। राहत है मतलब? हाँ, थोड़ी राहत है, बस ये थोड़ा दिक्कत ये रहती है CNG कभी कभी यहाँ पे, कहीं पे भी भोपाल में मिल, यानी फिलिंग स्टेशन बढ़ना चाहिए, मिलती नहीं जल्दी नहीं। तो आप ये देख पा रहे हैं कि हमने बात की ऑटो चालकों से, और जिन्होंने पेट्रोल ऑटो छोड़कर अब जो CNG पर आए हैं, राहत महसूस कर रहे हैं। और आप देखिए, जो हम अगले वाहन की बात करें, मध्य प्रदेश शासन इस पर लिखा हुआ है, यानी ये जो गाड़ी है मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारी की है और वहाँ पर ये अटैच है। और क्या हाल है आपका, क्या करते हैं आप? गाड़ी चलाता हूँ सर। क्या ये तो सरकारी विभाग में चला रहे हैं हम? जी। CNG है? जी सर। सरकारी विभाग में CNG गाड़ी आ चुकी है? आ गई ना सर, सभी गाड़ी CNG चल रही हैं। CNG चल रही है जी। कब से, कितनी गाड़ियाँ हैं अभी तक? अभी फिलहाल में तो अभी तो मेरी है, बाकी की तो और लगी हुई है CNG में। हाँ, इसका अपने को इतना मालूम नहीं है। कितना समय हो गया CNG में गाड़ियाँ हैं सरकारी विभागों में लगे हुए? अभी अभी आई हैं सर ये तो, CNG गैस का अभी अभी आई हैं जी।
तो कितना किलोमीटर चल जाती है आपकी गाड़ी? है 150 चल रही है सर अब ये तो। कितने कितनी सीएनजी में? 8 किलो में सर। 8 केजी में जी 150 किलोमीटर, यानी बहुत राहत है जी? नहीं इतना राहत नहीं है सर, वो महंगा पड़ रहा, वो महंगा ही पड़ रही है सर वो तो। पेट्रोल से आप जो गाड़ी चलाते थे उससे तो राहत होगी जी। और भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजू है सर। राजू, कब से चला रहे हैं आप ऑटो? मेरे को तो साहब काफ़ी समय हो गया, 8-10 साल हो गए। सीएनजी कब पकड़ लिया आपने? अभी लिए साहब, 3-4 महीने हुए। 3-4 महीने, क्यों? कुछ खामी थी क्या उसमें? कुछ बची नहीं रहा था, दिन भर मेहनत करो पेट्रोल आखिरी में शाम को जाके मतलब मजदूरी नहीं निकल रही थी। हमसे बेहतर मजदूर हो रहे थे, कम से कम 500-600 रुपये वो कमा रहे थे, हम 300-350 रुपये पूरा दिन मतलब मेहनत करने के बाद शाम को बमुश्किल 300-400 रुपये बच रहा था। अभी थोड़ी सी राहत है सीएनजी के माध्यम से, मतलब ऐसा है कि 300 रुपये में 350 रुपये में फुल हो जाती और नहीं कुछ तो 700-800 रुपये घर ले जाते हैं। आज के समय में सर्वाइव करने के लिए मतलब एक परिवार को अच्छे से गरीबी माध्यम से रहने के लिए कम से कम 700 रुपये प्रतिदिन तो चाहिए। घर पे माँ है, भाई हैं, बच्चे हैं, तो कैसे आदमी कैसे तो 700 रुपये करीब बच जाते हैं आपके ये 300-350 रुपये का फ्यूल निकालने के बाद? नहीं सर, मतलब 2 दिन चल जाता है करीबन, एक दिन में 700 रुपये 600 रुपये बचा लेते। तो पेट्रोल वाला ऑटो इतना नहीं देता था राशि? वो 118 रुपये लीटर था, उसके बाद उसमें हम ऑयल डलवाते थे अलग से 20 रुपये का 100 ग्राम, तो वो 140 रुपये लीटर पड़ता था हमें, और बमुश्किल 25 किलोमीटर भी नहीं चलती थी गाड़ी। एक लीटर 140 में बमुश्किल बहुत से बहुत चल गई तो 22-23 किलोमीटर चलती थी साहब गाड़ी। कोई साइड इफेक्ट सीएनजी के? नहीं सर अभी तक तो कुछ नहीं लगा, बढ़िया सुविधाजनक लगी मुझे तो। अच्छा चल रहा है? अच्छा अच्छा चल रहा है। अब ये है कि ये कहा जाता है कि पेट्रोल से पॉल्यूशन होता है, डीजल से पॉल्यूशन होता है, सीएनजी से नहीं होता। सर मुझे तो बहुत अच्छा लगा सर, मतलब मैंने जिस हिसाब से मैं चला रहा हूँ जब से अभी तक का अनुभव ऐसा रहा कि बढ़िया, एकदम बहुत बढ़िया। बाकी गैस गाड़ी है, मेंटेनेंस आएगा आने वाले समय में। ये जो ऑटो है, कुछ छोटे वाहन हैं, बैटरी चलित भी आ गए हैं, तो आपने वो रास्ता नहीं अपनाया? सर वो रास्ता इसलिए नहीं अपनाया कि बताते हैं उसका मेंटेनेंस ज़्यादा है, और सर मतलब 60-70 हज़ार रुपये की बैटरी डलती है उसमें, अगर जैसे बैटरी ख़राब हो जाती। हमने 2-2.5 लाख रुपये का ख़रीदा, वो 2.5 लाख रुपये ख़रीदा, और 1-1.5 साल बाद उसकी बैटरी ख़राब हो जाती है। उसमें जो बैटरी डलती है साहब वो 70,000 की करीब की डलती है। अब हम एकदम से इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, 70,000 रुपये कहाँ से? तो बेहतर माध्यम क्या है अभी सीएनजी? अभी सीएनजी सर जी। देखिए जो ऑटो चालक है उनका कहना है कि बैटरी चलित भी ऑटो चल रहे हैं, वाहन चल रहे हैं, लेकिन जो वो व्यवहारिक और तकनीकी दिक्कत बता रहे हैं, ऐसे में जो एक माध्यम है सीएनजी है और इस समय हम देख पा रहे हैं। आप क्या हाल है आपका? जी बढ़िया सर। क्या नाम है? विनोद दिवाकर। दिवाकर जी क्या करते हैं आप? बस ये सीएनजी भरवाने आए, ड्राइवरी करता हूँ। अच्छा जी, तो खुद की गाड़ी है? दूसरी गाड़ी चलाता हूँ, ड्राइवरी करता हूँ। सीएनजी गाड़ी? हाँ। कब से है ये? समथिंग हो गया 2-3 महीने। 2-3 महीने जी। अभी अभी कराई है जी। तो क्यों कराई? उससे पर्यावरण में भी काफ़ी अंतर पड़ता है, और इससे यह है कि मतलब जो डीजल पेट्रोल के जो दाम बढ़ रहे हैं उससे भी थोड़ा लाभ है, सीएनजी थोड़ा सस्ता भी है और पर्यावरण में भी काफ़ी अंतर पड़ता है, उससे सभी चीज़ों की सुविधा है। तो ये क्या टोटल पॉल्यूशन फ्री है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, टोटल पॉल्यूशन फ्री। महीने भर में आप जो पेट्रोल थी कि आपकी गाड़ी डीजल थी? पहले पेट्रोल थी। पेट्रोल थी तो पेट्रोल महीने भर में कितने का लगता था लगभग? पेट्रोल तो महीने भर में काफ़ी लग जाता था, मतलब हमारा ऑफिस का वर्क था तो महीने भर में 10-10.5 हज़ार के लगभग समथिंग लग जाता था, और गैस से अब तो बहुत रिलीफ है। मतलब कितना कितना रिलीफ? एवरेज भी अच्छा है। और जैसे आप बता रहे हैं 9-10 हज़ार रुपये का पेट्रोल लगता जी, था। अब सीएनजी कितने रुपये की लग जाती है? आधे, मतलब 7-7.5 हज़ार रुपये तक का हो जाता है। हो जाता है, मतलब पैसे की बचत है। पैसे की बचत है और माइलेज भी दे रही है गाड़ी, इससे इंजन भी ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, और ना किसी प्रकार से ये भी है कि मतलब गैस से हमारी गाड़ी में कोई तकनीकी खराबी आ रही है, कोई दिक्कत परेशानी। कभी कभी पेट्रोल से चलाते हैं कि टोटल सीएनजी? शुरू शुरू में क्या है, जब गाड़ी अपन स्टार्ट करते हैं ना, इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम लगा हुआ है। पहले पेट्रोल से स्टार्ट होगी, फिर सीएनजी से कन्वर्ट हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटिक हो जाएगी जी? आप चालू करके दिखा सकते हैं जी? मैं भरवा रहा हूँ इसमें गैस जी, अभी
ख़त्म है हाँ। फिर मैं बताता हूँ आपको। तो स्टार्ट होती है पेट्रोल के साथ, ये मैनुअली करना होता है कि अपने आप ऑटोमेटिक? ऑटोमेटिक हो जाता है, पहले पेट्रोल से होगी फिर ऑटोमेटिक है ना गैस से हो जाएगी, अगर गैस खत्म हो जाती है तो फिर ऑटोमेटिक पेट्रोल में फिर चली जाएगी, यानी अपने को मैनुअल कुछ करना नहीं होता, नहीं करना पड़ता। साहब आपका क्या हाल है? बढ़िया है जी। बढ़िया है, आपकी ही गाड़ी है? हाँ जी। CNG कब से? ये करीब 1 साल हो गए। साल भर हो गया, साल भर का अनुभव क्या कहता है आपका? बढ़िया कहता है, अगर CNG नहीं होती तो भूखे मर जाते समझ लो, क्योंकि पेट्रोल इतना महंगा है और भाड़ा कम मिलता है ना पेट्रोल के हिसाब से, 10-12 रुपये किलोमीटर देता है ओला, उसमें 118 रुपये का पेट्रोल चलाएंगे तो 7 रुपये किलोमीटर तो हमें गाड़ी का खर्चा आ जाता है, और फिर हम पिकअप करने जाते हैं तो खाली गाड़ी लेके जाना पड़ता है, वहाँ का तो मिलता नहीं है, पिकअप टू ड्रॉप का पैसा मिलता है। यानी 7 रुपये पर किलोमीटर आपकी गाड़ी चलती है? पेट्रोल पे चलती है 7 रुपये, इस पे 3-3.5 रुपये किलोमीटर पे पड़ता है, तो इसमें 3 रुपये किलोमीटर अभी CNG पे, 1 किलो CNG पे 2.5 रुपये खर्चा आता है हमारा, पेट्रोल पे 7 रुपये आता है, तो 2 पैसे बचेगा ना, गाड़ी का भी किस्त निकालना, घर पे बच्चों को खाने को भी देना, तो दिक्कत होती थी। CNG नहीं होती तो पेट्रोल पे तो टैक्सी चलाना ही नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चला पाएगा पेट्रोल पे, इतना महंगा पेट्रोल है अभी 118, फिर देखिए अभी 108 हुआ है, 10 रुपये का फर्क आया, ये दिक्कत होती है ना पेट्रोल में। CNG है तो बढ़िया है, अच्छा है, होना चाहिए, राहत है, बहुत राहत है। सब बीच में बैटरी वाली गाड़ियां भी आ गई हैं। हाँ, बैटरी वाली में क्या है कि अभी भी CNG में हम लोग को प्रॉब्लम है, ऐसा है कि CNG के लिए हम इधर आए जा रहे हैं, हम कहीं न्यू मार्केट, लेकिन इस रूट पे आए, जगह जगह CNG के पंप नहीं है, और बैटरी में तो इसमें फिर चार्जन की प्रॉब्लम है, अगर रास्ते में ख़त्म हो गया तो क्या करेंगे बैटरी गाड़ी में, इसमें ऑप्शन है CNG ख़त्म हो गई तो पेट्रोल पे चलेगी, पेट्रोल एक्स्ट्रा रखते हैं हमेशा, कभी भी CNG ख़त्म हो गई ऑटोमेटिक पेट्रोल पे जाएगा, बैटरी बैठ गई तो कहाँ जाएंगे, कहीं हम लॉन्ग रूट पे जाते हैं, कहीं साइड ऐसी होती जहाँ पे CNG नहीं मिलती, तो पेट्रोल से तो आ जाएंगे ना अपने मुकाम पे, बैटरी में तो प्रॉब्लम हो जाएगी, अब बैटरी का अगर जगह जगह पॉइंट मिलेंगे तभी हो पाएगा, इसलिए। तो देखिए दोनों ही चीज़ निकल कर सामने आ रही है, एक तो जो है CNG है, राहत है पेट्रोल गाड़ियों के लिए, डीजल गाड़ियों के लिए, और दूसरी ओर जो बता रहा है कि पॉल्यूशन। जी जी जी, कैसे? ये गैस का सिस्टम है, हाँ ये पेट्रोल का सिस्टम है, हाँ मतलब अपन को अलग अलग डलवाने की जरूरत नहीं है, इसमें गैस, अगर गैस भी डलवा लो पेट्रोल डलवा लो, और ऑटोमेटिक सिस्टम आगे लगा हुआ है, ऑटोमेटिक अपना जो रेड बत्ती है वो पेट्रोल का है, और ऑटोमेटिक कन्वर्ट होने के बाद में रेड बत्ती ही ग्रीन हो जाती है, पहले ऑरेंज होगी फिर ग्रीन होगी। तो CNG कितनी भरवाते हैं आप और पेट्रोल कितना? पेट्रोल तो वही अपना 10-15 लीटर के लगभग भरवा लेते हैं, ताकि सुबह स्टार्ट करने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो, और फिर इसके बाद में CNG फिर भरवाते रहते हैं। 14 किलो का टंकी है इसमें, इसमें मिनिमम अभी गर्मी के माध्यम से प्रेशर के हिसाब से वही 7.5-8 किलोग्राम के लगभग इसमें आ जाता है, आ जाता है जी। तो बेहतर विकल्प मानते हैं? बहुत बढ़िया विकल्प। अब और क्या होना चाहिए, जो बात कही जा रही है ना कि अब तो हर जगह CNG? नहीं, CNG लगवाना भी चाहिए, हर इंसान को लगवाना चाहिए, उससे क्या है काफ़ी अंतर है अपने शरीर में भी, जो आजकल प्रदूषण के कारण कई बीमारियाँ आ रही हैं तो वो बीमारियाँ भी नहीं होंगी, और सिटी में चलने वालों को तो सबको लगवाना चाहिए, सिटी में चलने वालों को सबको लगवाना चाहिए। ऐसा क्यों, खास क्या है? ये प्रदूषण मुक्त हो जाएगा, और क्या है, प्रदूषण मुक्त हो जाएगा, हो जाएगा। अब आगे आने वाले समय में बैटरी और CNG यही दोनों चलना है। देखिए दिल्ली के प्रदूषण से सब परेशान हैं और सब लोग जानते भी हैं, लेकिन बेहतर एक माध्यम हो सकती है CNG, बशर्ते जितनी लोग जागरूक हैं उतनी जागरूकता और आगे बढ़े, लोग CNG पर आएँ। फिलहाल हम लोगों की प्रतिक्रिया कर ले रहे हैं, और हम यहाँ पर देखें तमाम जो लोग पहुँच रहे हैं यहाँ पर CNG फिलिंग कराने के लिए, CNG जो गाड़ियाँ यहाँ पर हैं, लोग मानते हैं कि राहत है। भोपाल से यही बाशिंदे हैं। साहब क्या हाल है आपका? बढ़िया। बढ़िया, क्या करते हैं आप? रिटायर्ड हूं सर। अच्छा रिटायर्ड हैं सर, CNG पेट्रोल पंप पे आप मौजूद हैं, क्या फिलिंग के लिए आए हैं? नहीं, मैं तो टैक्सी से आया हूँ, टैक्सी वाला फरवार। अच्छा टैक्सी वाला, टैक्सी CNG ठीक है, राहत वाली बात है कि नहीं है? हम तो कभी कभी यूज़ करने वाले हैं, मैं क्या करूँगी। प्रदूषण भी कम होता है CNG से, नेचुरल। हमें आना चाहिए, हम लोग सब लोगों को CNG पे आना चाहिए, क्या लग रहा है आपको? एक बैटरी भी बैटरी वाहन है, विकल्प आप देख पा रहे हैं क्या आप आने वाले समय में, जब ये पेट्रोल और डीजल आसमान पर छू रहे हैं, प्रदूषण हो रहा है?
तो हमें अपनाना चाहिए क्या? उसके भी मेरिट्स डीमेरिट्स रहते हैं ना। मेरिट्स हैं बैटरी के, डीमेरिट्स भी हैं। हर चीज़ का रहता है। तो फिलहाल देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं, हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार सीएनजी राहत है तो कितनी है, और ये जो राहत है बरकरार है इसके लिए क्या करना चाहिए। भैया हम प्रदूषण की बात करें, प्रदूषण से लोग तो परेशान हैं, लेकिन इससे हम कैसे निजात पा सकते हैं, हम सबकी जिम्मेदारी भी बन जाती है, हम सबको प्रयास भी करना चाहिए। क्या हाल है भैया आपका? बढ़िया बढ़िया है। तो प्रदूषण मुक्त वाहन चला रहे हैं आप? कुछ ऐसे ही समझ लिया आप। ओला में चलती है या फिर आप खुद ही चलाते हैं? आप हम तो खुद ही चलाते हैं, जैसे जहाँ मिल जाए समझ। ऑटो इससे पहले चलाते थे आप? नहीं, ऑटो तो अभी स्टार्ट करा आपका, लॉकडाउन में बहुत से लोग बेरोजगार हो गए, अब कुछ ना कुछ तो करना चाहिए था, तो इसलिए ऑटो। सीएनजी वाला विकल्प क्यों चुना आपने? अब उसके सिवा कुछ सूझ भी नहीं रहा था दिमाग में अभी। पेट्रोल वाला ऑटो भी तो है ना? पेट्रोल वाला अब इतने, मैंने ज़्यादातर ये सोचा था ऑनलाइन चलाएंगे तो ऑनलाइन तो पेट्रोल के हिसाब से हमें पड़ेगा नहीं, यानी जितने कमाएंगे उतने पेट्रोल में लगा देंगे, तो मैंने कि ये सोचा कि पेट्रोल को छोड़ के सीएनजी ले ले गाड़ी, तो सीएनजी से बेहतर है, यानी कि निकल जाता है खर्चा पानी सब कुछ मेंटेन हो जाता अपना, खर्चा पानी निकल जाता है, मेंटेन हो जाता पूरा घर का राशन वाशन सब, तो थोड़ा देश के लिए सहयोग भी हो जाता है। चलो प्रदूषण कम होगा, प्रदूषण भी कम हो जाता है, और है ना एक साइलेंट मोड वाला है, यानी कि ऑटो के ज़्यादा पुराने ऑटो से बहुत खटपट कर देते थे, यानी नए ऑटो इतनी आवाज़ नहीं करते, और इसमें आवाज़ कम आती है, आवाज़ कम आती है, आवाज़ भी कम आती है, और सवारी को भी जो नहीं आती है, कोई सवारी बैठी है सवारी को भी अच्छा लगता है कि हाँ अच्छा ऑटो है, कोई आवाज़ नहीं है, कम्फर्टेबल है। सी एन जी के कारण ही ये साउंड कम होता है क्या? अब ये इतना तो पता नहीं, पर शायद उसके वजह से ही है, यानी कि टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रही है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रही है आगे चल के इससे और अच्छे वाहन आएंगे। तो फिलहाल हम देख पा रहे हैं कि हम जिस फिलिंग पंप पर हैं, यहाँ पर फिलिंग की जा रही है। आपका क्या हाल है? जी सर बढ़िया। क्या नाम है आपका? सनी। सनी जी कब से कर रहे हैं यहाँ पर आपका? सर तीन महीने से। कैसा है रिस्पांस, कैसा है? सर अच्छा है, अभी तो आ रहे हैं जी कस्टमर बराबर। सर कितना समय लगता है गाड़ी की हम फिलिंग की बात सर, अभी कम से कम 5 मिनट। 5 मिनट में आप फिलिंग करके दे देते हैं? जी सर। तो ये तो हुई सीएनजी की बात, और अब चलिए चलते हैं जरा पेट्रोल पंप पर, वहाँ पर समझते हैं कि जो तमाम कॉमर्शियल वाहन हों, चाहे वो ऑटो हों, टैक्सी हों, या फिर जो लोगों के घरेलू वाहन हैं जो पेट्रोल और डीजल से चल रहे हैं, उनका क्या हाल है। इस समय हम सीएनजी फिलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं, और हम बात कर रहे हैं लोगों से जो सीएनजी अपना रहे हैं, जिन्होंने सीएनजी को अपनाया है। साहब क्या हाल है आपका? बढ़िया है, ये आपकी ही गाड़ी है जी, फिलिंग कराने आए हैं सीएनजी जी। अब कुछ अंतर है क्या आप पेट्रोल सीएनजी, बेनिफिट्स क्या है इसके? बेनिफिट्स ये है कि एक तो पॉल्यूशन कम हो रहा है, दूसरा हमें बेनिफिट मिल रहा है। लगभग कितना रुपए किलोमीटर चल जाती है गाड़ी आपकी? 5 रुपए किलोमीटर तक पड़ जाता है। और पेट्रोल से? पेट्रोल थोड़ा महंगा पड़ता था। महंगा पड़ता था। कब से चला रहे हैं आप सीएनजी को? अभी लिए जस्ट 2 महीने हुए। 2 महीने हुए हैं, यानी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है। गाड़ी ठीक चलती है? कोई साइड इफेक्ट अभी तक तो नहीं है, आगे देखते हैं क्या होता है। तो जो पॉल्यूशन की बात है, हम देख पा रहे हैं कितने ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, लोगों से अपील करेंगे आप कि पेट्रोल थोड़ा छोड़ दें, सीएनजी आ जाएं? हाँ अपील तो करेंगे, कि पर सब तो सबकी अपनी अपनी अवेयरनेस की बात है ना सर। हाँ आपकी सोच अलग है, मेरी अलग है, सबकी एक जैसी सोच नहीं होती ना, फिर भी अपील तो करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल करूँगा सर, तो मैं तो पूरे भारत से अपील करूँगा कि गैस सीएनजी यूज़ करें। देखिए मध्य प्रदेश नहीं बल्कि पूरे भारत से अपील कर रहे हैं कि प्रदूषण को रोकना है, और जिन पेट्रोलियम पदार्थों से, जिन कारणों से प्रदूषण होता है, उससे यदि कोई विकल्प है तो फिर विकल्प अपनाएं, ये अपील की जा रही है। इस समय हम फिलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं, और थोड़ा समझते हैं कि आखिरकार जो सीएनजी फिलिंग होती है किस तरह से फिलिंग होती है, किस तरह की टेक्निक का इसमें यूज़ किया जाता है, और कोई इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आती। आपका क्या हाल है? सर बढ़िया बढ़िया है। क्या नाम है आपका? विकास सिंह। विकास जी कैसे होती है इसका
वर्क दिन कैसे होता है फिलिंग करने का? बस बढ़िया होते हैं। ना सिस्टम क्या रहता है इसका? अरे कुछ नहीं, ये बाल माल चालू होता है सर। और जैसे पेट्रोल भरा होता है ऐसा ही है क्या? जी बिल्कुल। कोई रिस्क है इसमें? नहीं, कोई रिस्क नहीं है। जी नहीं, कोई रिस्क नहीं है। और जिस तरह से पेट्रोल की फिलिंग होती है उसी तरह सीएनजी फिलिंग होती है। ये हम कर्मचारी से बात कर रहे हैं और हम देख पा रहे हैं कि एक और फिर यहाँ पर गाड़ी आई है और सीएनजी उनकी ये गाड़ी है। और आप इस समय देख पा रहे हैं कि जो फिलिंग की प्रोसेस है सेम ऐसी है जैसे कि पेट्रोल की फिलिंग होती है। साहब क्या हाल है आपका? बढ़िया सर। बढ़िया है। आपने बड़ी गाड़ी ली है लेकिन सीएनजी है? सीएनजी। कितना समय हुआ है इसको सीएनजी? एक साल हो गया मेरे ख्याल, एक साल से ज़्यादा हो गया। एक साल से ज़्यादा। क्या रिजल्ट क्या है आपका? बढ़िया, बहुत बढ़िया। अनुभव अच्छा है आपका? फ़ायदे क्या हैं इसके? साहब एवरेज 26 का दे रही है, 26 बोलते हैं फिर भी 25 का दे रहा है। और रेट में भी आप जान रहे हो पेट्रोल डीजल का क्या रेट है, उससे तो बहुत कम है। तो कहें कि आधे रेट में गाड़ी दौड़ रही है। 600 रुपये में हम इटारसी चले जाते हैं और आ जाते हैं। 600 रुपये में इटारसी चले जाते हैं और आ जाते हैं। आप इटारसी के रहने वाले? जी हाँ। एक जो कहा जाता है कि प्रदूषण भी नहीं होता है? कुछ नहीं, बहुत बढ़िया, ना कोई बदबू ना कोई कुछ, बहुत बढ़िया। और गाड़ी भी अच्छा है एवरेज। और पिकअप वगैरह की बात करें? बेहतरीन बेहतरीन, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। मतलब साल भर हो गए आपको? उससे ही चलते हैं बिल्कुल, साल भर से चलते हैं। तो आप देख पा रहे हैं राजधानी भोपाल नहीं बल्कि भोपाल के बाहर जो लोग बाशिंदे हैं वो जो सीएनजी के बारे में बता रहे थे, जानकारी दे रहे थे। आपका क्या हाल है? बढ़िया। आप कहाँ रहते हैं? मैं इनका भतीजा हूँ। अच्छा, भतीजा हैं। अनुभव क्या है आपका सीएनजी का? बहुत बढ़िया है, पेट्रोल से बेटर है। बेटर है, बेटर है, बेटर है। पॉल्यूशन कम होता है? कम कम, बहुत बढ़िया है सीएनजी। सीएनजी अच्छा है? हाँ, विकल्प अच्छा है, बहुत बढ़िया विकल्प है। सस्ता भी है, अच्छा भी है। सस्ता भी अच्छा भी है। तो आपने मन बनाया कि गाड़ी लेने का पर्सनल की नहीं? अभी नहीं, अभी तो नहीं, थोड़े टाइम बाद। तो कौन सी गाड़ी लेंगे? अब तो नए विकल्प भी आ रहे हैं ना, बैटरी चले वाहन भी आ रहे हैं। सीएनजी ही लेंगे वैसे तो। सीएनजी बैटरी पे नहीं आ रहे अभी आप? नहीं, सीएनजी पे अभी तो। ऐसा क्यों? सीएनजी ऐसी है, पेट्रोल भी लग जाता है, सीएनजी भी है, दोनों है उसमें। इलेक्ट्रिक में सब केवल इलेक्ट्रिक है, वो वाली बात है, ऐसा आएगा इसलिए। तो आप गाड़ी लेंगे तो सीएनजी ही लेंगे? सीएनजी लेंगे। और यहाँ पर जो मैक्सिमम बात करें तो ऑटो ज़्यादा है सीएनजी चलित। क्या हाल है आपका? बढ़िया भाई साहब। बढ़िया है। सीएनजी ऑटो कैसे दौड़ रहा है आपका? ठीक ठाक है क्या? बेहतरीन। कितना समय हो गया इसको? 5 महीने। 5 महीने हुए? 5 महीने। तो अभी क्या नया नया है क्या भोपाल में सीएनजी? नए तो आए ये सीएनजी। इससे पहले कौन सा ऑटो चलाते थे आप? पेट्रोल। पेट्रोल। हाँ, उसमें बचत ज़्यादा होती थी? इसमें ज़्यादा हुई? इसमें ज़्यादा। कैसे? एवरेज ज़्यादा है, रेट भी कम है। कैसे पैसे नहीं मिलेंगे दादा? सवारी पैसे नहीं देगी? तो क्या सवारी पैसे कम देती है कि ज्यादा देती है? नहीं, वैसे ही देती है सवारी खाई के लिए। पेट्रोल में देती है, वैसे ही देती है, लेकिन बचत थोड़ी ज्यादा है। हाँ, बस थोड़ी बचत ज्यादा है। बाकी साफ सुथराई तमाम चीज में मिल जाती है, तो प्रेफर करती होंगे ना आपके ऑटो को तो? और क्या। आपका क्या हाल है? बढ़िया। और आपके सीएनजी ऑटो का? वो भी बढ़िया। बढ़िया दौड़ रहा है? दौड़ रहा है। कोई दिक्कत परेशानी? कोई परेशानी नहीं। कोई परेशानी नहीं है। तो अब उन ऑटो का तो काम कैसे चल पा रहा होगा जो पेट्रोल से चल रहे हैं? उनका चल रहा है, मतलब जैसे 500 का पेट्रोल डलवाते हैं, 800 की बचत आती है, 300 ही जा रहे हैं, ये है उनका। और आपका? हमारा तो 1000 भी हो जाता है, 1200 हो जाता है, 300 की यही डलती दिन भर में। मतलब अच्छी घट रही है, है? सीएनजी से अच्छी घट रही है। अच्छी घट रही है। कितना महीना हो गया आपको? मैं 17 दिसंबर को उठा था मैंने। फायदे का सौदा है सीएनजी, फायदे का। तो ठीक चल रहा है आपके जो ऐसे ऐसे भी जो साथी होंगे जो पेट्रोल अभी ऑटो चला रहे हैं? पेट्रोल परेशान है थोड़े, उनकी है ना बहुत गंदी, ये चक्कर है पेट्रोल गाड़ी, पेट्रोल वाले है ना रो रहे। ये 45 का एवरेज दे रही है, अब 30 का 28 का एवरेज कहाँ से चलाएगा आदमी, ये चक्कर है। हाँ, 25 का जी। आप कुछ कह रहे थे बताइए ना। 25 का एवरेज निकालती है पेट्रोल में, सिटी में 25 का एवरेज निकालती है। आप कुछ कहते हैं ना, आपके साथी हैं पेट्रोल वाले, क्या कर रहे हैं? पेट्रोल वाले रो रहे हैं सब। क्या बात कर रहे हैं? सी एन जी लगवा रहे हैं, किट लगवा रहे हैं, पुरानी टंकी लगवा रहे हैं। सी एन जी किट लग जाती है? लग जाती है, 15,000 से 20,000 सी एन जी किट लग रही है। तो वो अपना रहे हैं अब सी एन जी? हाँ, अब अपना रहे। आपकी बातचीत होती है उनसे? हाँ,
आपकी बात करा दूँ। चलिए एक और यहाँ पर सज्जन मौजूद हैं साहब, आपका क्या हाल है? बताएं आदेश करें। बस यही, हम पर्यावरण तमाम चीज़ें देख रहे थे और इस बीच पेट्रोल का विकल्प एक सीएनजी आ गया है, क्या बेनिफिट्स क्या हैं इसके? बेनिफिट तो है, सीएनजी में क्या है, एवरेज भी अच्छा मिल जाता है। और दूसरा ये है कि एलपीजी जो लगवा लेते थे फोकट में लोग बाग, वो कुछ चोरी से अपने सिलेंडर से भरवा लेते थे, अब ये सिलेंडर से भरने वाला सिस्टम तो खत्म हो गया। अब एलपीजी में ये है कि आपको पेट्रोल पंप भी खुल गए हैं, एवरेज भी अच्छा मिलता है, 250-300 का एवरेज मिल जाता है, और क्या चाहिए आपको। और पेट्रोल में से रेट भी कम है आपके। अब बट ये है कि ये सीएनजी पेट्रोल पंप बहुत कम है अभी, तो ये लगना चाहिए हर 100 किलोमीटर की दूरी पे, यदि लग जाए तो क्या है, एवरेज देती गाड़ी जैसे देती है 200 का एवरेज देती है, तो 100 किलोमीटर पर ये लग जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, बेटर। तो आपका सजेशन है कि हर 100 किलोमीटर पर एक सीएनजी फिलिंग पंप, कम से कम 100 किलोमीटर पर लग ही जाए, ज़्यादा ना लगे, क्योंकि लोग पेट्रोल पंप तो 50-50 किलोमीटर पर लगे ही है, सीएनजी 100 किलोमीटर पर लग जाए तो क्या बुराई है, भाई अपने अप में लग जाए या डाउन में लग जाए तो आदमी कैसे न कैसे करके भरवा तो लेगा। अब मैं जैसे अभी होशंगाबाद जा रहा हूँ, अब मुझे सीएनजी सिर्फ मिश्रोद में मिलेगा, इसके अलावा होशंगाबाद तक सीएनजी नहीं गई, भोपाल वहाँ जाऊँगा मैं, इंदौर जाऊँगा तो मुझे सोनगंज के थोड़े से पहले एक सीएनजी मिलेगा, उसके अलावा सीएनजी नहीं, तो मतलब 200 किलोमीटर पर जाने के पहले सीएनजी नहीं मेरे पास। अब मैं इंदौर गया थी पहले से, लौट के वापस आना है तो उसका क्या हाल रहेगा, तो बट सीएनजी अच्छा है, अच्छा है, फिलिंग स्टेशन इसकी और बढ़िया है, स्टेशन बट प्रदूषण के हिसाब से भी अच्छा, क्या बुराई है बताएं और कुछ पूछे। तो ये जो है अनुभव हम समझ रहे हैं और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि फिलिंग स्टेशन पर लगातार जो वाहन है यहाँ पर पहुँच रहे हैं, सीएनजी एक बेहतर विकल्प है लोग ये कह रहे हैं, इसके साथ ही लोगों की ये डिमांड है कि जो फिलिंग स्टेशन है उनकी संख्या और अधिक बढ़ना चाहिए, और जो डिमांड निकल कर सामने आ रही है कि 100 किलोमीटर पर एक सीएनजी फिलिंग स्टेशन हो, ये लोगों की डिमांड है और लोग चाह रहे हैं कि सीएनजी को वो अपना रहे हैं और लोग भी सीएनजी को अपनाएं, वो ये भी अपील कर रहे हैं। कैमरामैन लवली सैनी के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।